हेलो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरा नाम है मोहम्मद अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम अरबिक नॉलेज यूट्यूब चैनल उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे दोस्तों हम अजनबी जगह अजनबी जब किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं सऊदी में जाते हैं तो हमको अरबी बात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो हमारा चैनल इसी टॉपिक पे है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें आज हम कुछ ऐसे अल्फाज के बारे में बात करने वाले हैं अरबी के जो हर रोज़ यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं तो उन अल्फाज को सीखने के लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वालेकुम आना मैं आना आना यानी आना अपने लिए इस्तेमाल होता है पर आना मैं हक्गी हक्गी का मतलब होता है मेरा असल में हग्गी का जो अरबी लफ्ज़ है वो हक्की है काफ आता है उसमें का लेकिन बोलते हैं हक्गी हग यानी मेरा मेरी आप इसको आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं हादा है, हग्गी जैसे अगर आपका कोई सामान है तो आप बोल सकते हैं हादा हग्गी यानी यह मेरा है हादा हग्गी हादा मैंने इस समझाने के लिए लिखा है लेकिन अरबी में इसमें जाल आता है जाल हादा हग्गी यानी यह मेरा है अगर जैसे कोई सामान है सामान अगरा को बोलते हैं तो हादा अगरात हगे यानी यह सामान मेरा है हग् भी बोल सकते हैं अना भी बोल सकते हैं हादा अगरा हग हादा अगरात अना यानी यह में यह सामान मेरा है हगक हग यानी तुम्हारा हगक जो है ये इसका वही अल्फाज है यानी ग को का बोलते हैं अरबी में हक्कक लिखा जाएगा लेकिन बोलते हैं हग तुम्हारा यानी सामने वाले के लिए बोला जाएगा तुम्हारा या तुम्हारी हगक हा दा हक यानी ये तुम्हारा है हक ये तुम्हारा है हा दा हक ये तुम्हारा है या तुम्हारी है इदा, 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 इजा ईजा यानि इसमें लोग इज़ा पढ़ेंगे एदा लो इदा लो दोनों का मतलब है अगर एदा लो अगर ईदा लो यानी या आप इजा भी बोल सकते हैं लौ भी बोल बोल सकते हैं दोनों का मतलब ए, एक ही होगा इदा लो फ़ी यानी लव फ़ी के अहसन अगर ऐसा हो तो अच्छा है यानी अगर ऐसा हो तो अच्छा है लव फ़ी किद अहसन अगर अगर ऐसा है तो अच्छा है यानी इसे आप किसी भी काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं लव फ़ी के अहसन अच्छा यानी अगर ऐसा है तो अच्छा है या अगर ऐसा हो तो अच्छा है इसके कई तरीके हैं मतलब समझने के लिए यही सबसे आसान तरीका है एश एश उश क्या यानी एश उसका भी मतलब क्या है उश उसका भी मतलब क्या है ज़्यादातर सऊदी उश बोलते हैं लेकिन वो समझने में एश आता है एश क्या एश हादा यह क्या है उश हादा यह क्या है अगर कुछ है देखने वाला या कुछ सामान है या कुछ और है उसके बारे में बोलेंगे एश फी यानी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सामान है तो उसके लिए भी बोलेंगे एश फी यानी क्या है एश फी क्या है एश फी उश मतलब क्या हादा यह क्या है एश फी क्या है अहना अहना नहना यानी अहना नहना हम कई लोग जैसे दो चार लोग या कई लोग इकट्ठा होते हैं ना तो उनके लिए बोला जाएगा अहना नहना जैसे कि हम कई लोग हम हम होते हैं तो कई लोग को बोलते हैं ना हम नहना अहना इसका अरबी है नहना अहना इन तुम इन तुम अन तुम यानी इन तुम भी बोलते हैं अन तुम भी बोलते हैं जमा जैसे जमा कई लोग होते हैं जमा में अहना नहना भी शामिल है और इन तुम अंतुम भी शामिल है यानी कई लोग जैसे सामने कई लोग होते हैं ना तो उनके लिए बोला जाएगा इन तुम अंतुम जमा यानी कई लोग आहना हम कई लोग अंतुम जमा यानी तुम कई लोग हुआ, हुआ 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 ये हिंदी वाला हुआ नहीं हो गया ये अरबी का हुआ है हुआ यानी वो वो एक मर्द के लिए बोला जाएगा जैसे सामने कोई है तो उसके लिए हुआ वो ही या, ही या वो इसका भी मतलब वो है लेकिन ये ही या औरत के लिए हुआ मर्द के लिए ही या औरत के लिए बोला जाएगा ठीक है मन मन यानी कौन मन कौन लिमन किसका मन कौन लिमन किसका आई कौन सा आई बोलते हैं कौन सा यानी कोई भी आई कौन सा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं असल व बरकातहू